हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि जैसे इरबा 360 मशीन है, उसी तरह हेमेटोलॉजी मशीन और भी कंपनी है, जैसे ऑस्कर की हुई, मिनरे की हुई, ठीक है, बहुत सारी मशीनें हैं। तो मतलब इस मशीने के बारे में जो है कि हम कंपेरिजन करेंगे कि कौन सी मशीन बेटर है और कौन सी मशीन खराब है, ठीक ना। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इरबा 360 क्या है? एक सेकंड काउंटर मशीन है जो CVC टेस्ट करता है, ठीक ना। उसी तरह मिनरे की भी मशीन होती है, वो भी सेल काउंटर मशीन ही कहा जाता है, हेमेटोलॉजी एनालाइजर उसको भी कह सकते हैं। तो वो भी उससे भी CVC टेस्ट होता है, ठीक ना। तो मिनरे की मशीन बढ़िया है कि यह मशीन बढ़िया है? तो सबसे पहले बढ़िया कहने से पहले इसके बारे में जानना जरूरी है कि इसमें केमिकल कितना रहता है, कितना खर्च आता है और टेस्ट में कितना खर्च आता है, ठीक ना। ये सब जानेंगे तब समझ में आएगा कौन सा बढ़िया है और कौन सा खराब है। और बात आ गई चलने वाली, तो आपके ऊपर है कि आप कितना बढ़िया से उसको मतलब सेविंग से चला रहे हैं, कितना अच्छा से उसको केमिकल पिला रहे हैं, कितना उसको करंट बढ़िया दे रहे हैं, और जो है कि उस साफ सफाई कितना रख रहे हैं उसके ऊपर है, ठीक ना। ताकि आपके चलाने के ऊपर है, मेन चीज़ चलाने के ऊपर होता है, बाकी खर्च और तो कंपनी के ऊपर होता है कि मशीन कितना बनाई, कितना खर्च बनाती है, ठीक ना, टेस्ट में। तो दोस्तों देखिए, इरबा 360 में मात्र दो केमिकल आते हैं, लाइज और डाइलेंट, ठीक ना। तो डाइलेंट इसको कहेंगे जो 20 लीटर पड़ता है इसका, मतलब किसी शॉप से लेंगे तो आपको 2700 रुपया में डाइलेंट मिल जाएगा। और जो है कि लाइज इस मशीन के अंदर है, उस साइड रखा हुआ है, तो वो आपको पड़ेगा मात्र 2800 रुपये में लाइज आपको मिल जाएगा। अब बात आ गई कि सैंपल, जब आप सैंपलिंग करते हैं यानी कि एक CVC पिलाते हैं, तो एक CVC में जो है कि लाइज 1 ml यूज होता है और डाइलेंट 19 ml यूज होता है। तो ये चीज़ तो आप लोग जान गए इसके बारे में, ठीक ना। तो आप लोग कैलकुलेट कर पता कर सकते हैं कि इसमें मतलब एक सैंपल में कितना खर्च आ रहा है। अब बात आ गई मिनरे की यानी कि ऑस्कर की। तो उसमें देखिए, मिनरे की मशीन आपको जब लेंगे तो आपको एक लाइज मिलेगा, एक डाइलेंट मिलेगा और एक रिंज केमिकल मिलता है, ठीक ना। तो टोटल आपका 3 केमिकल आते हैं। तो जो रिंज केमिकल होता है, रिंज, वो आपका आता है 4000 रुपये का, ठीक ना। वो जो डाइलेंट होता है वो आता है 4500 रुपये का। हम ऑस्कर मशीन की बात कर रहे हैं, दूसरी कंपनी की मशीन की बात कर रहे हैं। और एक लाइज आता है उसमें, वो भी पड़ता है 4000 रुपये का, यानी कि टोटल 12500 का खर्च आता है 3 केमिकल पर। अब आ जाएगी मतलब मामला, अब आ गया कि जब आप CVC सैंपल पिलाते हैं तो ऑस्कर की मशीन में एक सैंपल पर कितना केमिकल यूज होता है, उसके हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि एक सैंपल पर कितना खर्च आता है। तो दोस्तों, एक सैंपल जब पिलाएंगे तो ऑस्कर की मशीन में जो रिंज जो केमिकल होता है वो 2 ml यूज होता है, ठीक ना। और जो डाइलेंट होता है वो मात्र 10 ml यूज होता है, यानी कि इस इरबा 360 में डाइलेंट 19 ml यूज होता है और उसमें 10 ml यूज होता है। और जो है कि ऑस्कर की मशीन में जो लाइज होता है एक सैंपल जब पिलाते हैं CVC, तो उसमें 1 ml यूज होता है। तो रेट बता ही दिए हैं, केमिकल यूज होता है वो बता ही दिए हैं। तो आप लोग टोटल कैलकुलेट करके बताइएगा कि ऑस्कर की मशीन कितना खर्चा आता है और इरबा 360 की मशीन कितना खर्चा आता है, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट में करिएगा कि दोनों मशीन में तुलना करिएगा कि कौन किस में ज़्यादा खर्चा आता है। और बात अगर चलाने वाली कि कौन मशीन कितना लंबा समय तक चलती है, तो देखिए, हम सबसे पहले प्राइमरी पर इसको हम कहेंगे इरबा 360 मतलब बढ़िया ब्रांड की कंपनी है, ठीक ना, हम यही कहेंगे। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर मशीन बुरी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, चलाने वाला बढ़िया होना चाहिए, ठीक ना। देखिए, हम चला रहे हैं 10 साल से, अभी तक इस मशीन में कोई दिक्कत नहीं है। और जो है कि अब मशीन सैंपलिंग इतनी अच्छी कर रही है, इसका एवरेज इतना अच्छा है, दोस्तों हम पूरा प्रसन्न हुए हैं। काफ़ी लोग भी हमारे दोस्त जो हैं कि प्रसन्न हुए हैं इस मशीन को लेकर। और जो है कि ऑस्कर की जो मशीनें हैं उसको कुछ लोग चलाकर खुश होते हैं और कुछ लोग दुखी होते हैं। तो मतलब हम यही कहेंगे कि 80% लोग दुखी होते हैं ऑस्कर की मशीन को लेकर और 20% लोग खुश होते हैं। तो आप लोग इस बात से आप लोग तुलना कर सकते हैं कि कौन सी मशीन बढ़िया है और कौन सी खराब है। दोस्तों, आप लोग जान ही गए हैं। और बात आ गई इसमें सेटिंग वोटिंग के बारे में, तो सेटिंग वोटिंग के बारे में कुछ पूछेंगे तो हम जरूर बता देंगे, क्योंकि देखिए हमको हार्ड पार्ट बनाना नहीं आता है मशीन का,
लेकिन सेटिंग के बारे में हम सब जानते हैं। तो आप लोग को इस तरह की कोई इशू आए तो बता दीजिएगा कमेंट में, हम वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। और ओल्ड अगर आप लोगों को मशीन चाहिए, ओल्ड चाहे ओस्कोर की हो, चाहे मिनर की, चाहे इरबाई 360 हो, तो हम जो है कि आप लोग को दिलवा देंगे, सही रेट दिलवाएंगे। लेकिन जब आप यहाँ से लेकर जाएंगे तो उसका एक रुपया गारंटी नहीं रहेगा कि मशीन ख़राब है कि क्या है, उससे हमसे कोई मतलब ताल्लुक नहीं रहेगा, ठीक ना। ये आपकी समस्या तब हो जाएगी। तो हम यही कहेंगे कि सेकेंड हैंड के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, हमेशा सोचिए न्यू मशीन लेने के बारे में कि कैसे न्यू मशीन को प्रोवाइड किया जाए, ठीक ना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।